हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी ग्रामर क्लास एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। आपने अपनी नोटबुक में सबसे पहले डेट एंड डे मेंशन करना है, जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो और जिस डे को लिख रहे हो। उसके बाद आपने हेडिंग में लिखना है बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, जो भी आपका टॉपिक होगा। अगर आपका टॉपिक ज़रूरी काम के लिए है तो आप ज़रूरी काम के लिए लिखोगे। चलो अच्छा, सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में श्रीमती प्रधानाध्यापिका जी। अगर हमारे स्कूल में मान के चलो प्रिंसिपल सर होते तो हम लिखते श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, ठीक है। अब प्रिंसिपल मैम है तो श्रीमती। उसके बाद आप अपने स्कूल का नेम लिखते हैं, जैसे हमारे स्कूल का नेम है भविष्य इंटरनेशनल स्कूल और ये कहाँ है, गिगोरानी सिरसा। विषय में हम हमेशा जो हम जिस रिगार्डिंग हम हमारी एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं वो लिखते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, स्टार्ट करते हैं हम। ये बीच के मैटर को आपने बहुत ध्यान से लिखना है। सविनया, निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे आज दिनांक, जिस डेट से आपको छुट्टी चाहिए और जहाँ तक चाहिए, यहाँ वो डेट लिखनी है, तक का अवकाश देने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। जैसे मुझे छुट्टी चाहिए 6 जुलाई 2020 से लेकर 8 जुलाई 2020 तक, तो मैंने वही डेट लिखी है 6/7/2020 से लेकर 8/7/2020 तक, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी शिष्य। जैसे मैं एक लड़की हूँ तो मैंने क्या लिखा है, आपकी आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप लड़के हो तो क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ आप अपना नेम लिखोगे, कक्षा और दिनांक, जिस भी डेट को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो। थैंक यू।